दोस्तों, एक फेमस सिंगर और लाखों दिलों की धड़कन नेहा कक्कड़ की पॉपुलैरिटी आज इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई इनका और इनकी आवाज़ का दीवाना है। और इनके सॉन्ग तो दिल को छू देने वाले होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इनके ब्रेकअप की वजह क्या रही? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप नेहा कक्कड़ के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, नेहा कक्कड़ और हिमांशु कोहली का रिश्ता अब इस स्टेज पर है कि वो दोनों एक होने से पहले ही अलग हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब दिवाली हो या गणपति का त्योहार, नेहा कक्कड़ का त्योहार तो हिमांशु के प्यार से ही रोशन रहता था। नेहा हिमांशु के साथ इतनी सीरियस थी कि वो हिमांशु के साथ इस रिश्ते को बढ़ाने का फैसला भी कर चुकी थी। लेकिन आपको बता दें कि इनका रिश्ता उससे पहले ही टूट गया। नेहा और हिमांशु ने एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया है। और इतना ही नहीं, नेहा ने तो हिमांशु के साथ अपनी सभी पिक्चर्स को भी डिलीट कर दिया है। और आपको बता दें कि इंडियन आइडल में सलमान खान की फिल्म का गाना तेरे नाम सुनकर नेहा कक्कड़ रो पड़ी थी और वो काफी देर तक रोती रही। पर वो क्यों रो रही थी, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि इनके ब्रेकअप के पीछे की वजह इंडियन आइडल के एक कंटेस्टेंट और नेहा कक्कड़ के बीच की नजदीकियां हैं। और खबर ये है कि नेहा कक्कड़ के दिल टूटने की वजह हिमांशु का ओवर रिएक्टेड बिहेवियर है। हिमांशु नेहा को शक की नजरों से देखते थे और पिछले महीने ही नेहा ने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप को लेकर खुलासा किया था। नेहा ने बताया कि वो दोनों पिछले 4 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब फिल्म यारियां बन रही थी उसके बाद से ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। तो दोस्तों, आपको नेहा कक्कड़ के गाने कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।